दोस्तों, एक बहुत बेहतरीन चीज आप लोगों की नजर कर रहा हूं। हुए नामवर बेनिसा कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिसा कैसे कैसे, और जमी खा गई नौजवां कैसे कैसे। बड़ी सुंदर ये एक चीज है, बड़ी सुंदर, और कव्वाली कह लीजिए, गजल कह लीजिए, बशर्ते है कि आपको एक एक बोल अगर आप सुनेंगे, हेडफोन लगा के सुनेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि कहा है, एक शेर मुझे याद आ रहा है भूपेंद्र जी, क्योंकि मेरे एक मित्र थे, उन्होंने ये शेर मुझे सुनाया कि लाम के मानिंद हैं गेसू मेरे घनश्याम के, लाम के मानिंद हैं गेसू, गेसू कहते हैं जुल्फों को, गेसू मेरे घनश्याम के, और काफिर हैं वो लोग, और काफिर हैं वो लोग जो कायल नहीं इस नाम के। आइए आइए, एक छोटी सी ये कव्वाली है, और मैं कोशिश करूंगा कि गोपी जी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अगर गुनगुनाए तो बड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा बहुत साथ देने वाली बात है। वैसे तो ये लॉकडाउन चल रहा, नहीं तो ये पूरा रूम कलाकारों से भरा हुआ होता, लेकिन फिर भी कहते हैं कि शेर के बच्चे दो ही अच्छे। तो आइए आनंद लेते हैं। जिंदगी को जो समझा, जिंदगी पे रोया।
बच्चे छूट जाएंगे, मेरे जितने हैं भाई वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत दो ही गज कफन देंगे, जिनको अपना कहता है कब ये तेरे साथी है, कब्र है तेरी मंजिल और ये बाराती है, और ये बाराती है, और ये बाराती। लाके कब्र में तुझको मुर्दा पाके डालेंगे, तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला देंगे, कल तुझे भुला देंगे, कल तुझे भुला देंगे। इसलिए ये कहता हूँ खूब सोच ले दिल में, क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में, पर गुनाहों से तौबा आके बस संभल जा, क्या भाई।